जनता के मन को ना जाना, अंदर जाना भूल गए, सिर्फ नमाजी बने रहिए, मंदिर जाना भूल गए। वंशवाद का अंश बनाकर कांग्रेस ने रख डाला और भारत जैसे लोकतंत्र पर डंक बनाकर रख डाला। इसलिए बताता हूँ, इन्होंने हमेशा से मुगलों का महिमा मंडित किया। मुगल कौन थे, बाबर कौन था? बाबर का पहले हिस्ट्री पढ़ा जाएगा तो बाबर एक लुटेरा था, आक्रमणकारी था। आज उसी को अगर योगी जी ने हटा दिया है तो ये बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि देखिए मुगल क्या थे, उन्होंने सिर्फ लूटा, हिंदुस्तान को कमजोर किया, तलवार के नोक पे सलवार पहनाया गया, कईयों लोगों को उन्होंने मुसलमान बनाया। क्या पहले कोई मुसलमान था? इस्लाम धर्म तो 1500 साल पहले आया, सनातन धर्म तो बहुत पुराना है। हमें कभी महाराणा प्रताप का नहीं पढ़ाया गया, महाराणा प्रताप के पिता कौन थे। हमें पढ़ाया गया कि अकबर का पिता कौन था, जहांगीर का पिता कौन था। हमें मुगलों का महिमा मंडित किया गया कि मुगलों ने ताजमहल अजूबा बना दिया। हमारे राजा राम थे, हमारे राजा अशोक सम्राट थे, हमारे गुरु चाणक्य थे। हम इन्हें पूजेंगे, भगत सिंह को पूजेंगे, अब्दुल कलाम को पूजेंगे, हम बाबर को नहीं पूजेंगे। इसलिए आज योगी जी अगर उस पर फैसला ले रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर खबर इंडिया पे। तो क्या देखते हैं आप, जिस तरह से योगी जी ने जो है जो फैसला लिया है? देखिए योगी जी का फैसला बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय है, ऐसे फैसले का बहुत स्वागत है। क्योंकि देखो हिंदुस्तान में हमें शुरू से पढ़ाया गया गुलामी की मानसिकता हमारे ऊपर ला दी गई। मुगल कौन थे, बाबर कौन था? बाबर का पहले हिस्ट्री पढ़ा जाएगा तो बाबर एक लुटेरा था, आक्रमणकारी था, जो बाहर से आया हिंदुस्तान पर आया, आक्रमण किया, शासन करने के लिए हिंदुस्तान के लोगों का उत्पीड़न किया, धन हड़पा लोगों का, लेकिन हिंदुओं का कभी इसने विकास नहीं किया, अधिकतर हिंदुओं का इन्होंने धर्मांतरण कराया। आज उसी को अगर योगी जी ने हटा दिया है 12th के सिलेबस से तो ये बहुत अच्छा काम रहे हैं। क्योंकि देखिए मुगल क्या थे, उन्होंने सिर्फ लूटा, हिंदुस्तान को कमजोर किया। अगर बाबर हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति जानता तो कभी भी राम अयोध्या में राम जन्मभूमि को तोड़ के कभी भी बाबरी मस्जिद नहीं बनाता। एक कलंक था बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान के ऊपर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और आज राम भव्य राम मंदिर बन रहा है उत्तर प्रदेश में। बहुत अच्छा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और जब तक मुगलों की जितनी भी गुलामी की मानसिकता नहीं हटाया जाएगा, जैसे मोदी जी ने मुगल गार्डन था, मुगल गार्डन को हटा के उसका नाम बदल दिया गया, अमृत गार्डन कर दिया गया, वैसे जैसे हिंदुस्तान में आज के समय बाबर सड़क है, बाबर रोड है, अकबर रोड है, जहांगीर रोड है, औरंगजेब रोड है, इन सब के नाम चेंज होने चाहिए। क्यों होने चाहिए मैं बता रहा हूँ। देखिए जहांगीर का आपने पढ़ा होगा, जहांगीर और उसका लड़का जो था शाहजहाँ, शाहजहाँ की चार शादियाँ हुई थी, चार शादियाँ हुई, जो उसकी चौथी बीवी थी इसकी मुमताज, उसमें से 18वां लड़का जब मुमताज का होने लग गया तो मुमताज मर गई, तो ये प्यार की निशानी के लिए ताजमहल बनाया गया। बताओ अगर ये प्रेम की निशानी है तो अय्यासी क्या है? अय्यासी क्या अगर तुमने चार चार बीवियां राखी, उसके बाद इतने उनके बच्चे पैदा किए, अगर वो मर गई बच्चा पैदा करते हुए, तो इसको तुम प्रेम की निशानी दे रहे हो। और वही ताजमहल जो कभी वहाँ पे शिव मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ के जहांगीर शाहजहाँ के लड़के ने उसने वहाँ पे अपना एजेंडा चालू किया। कभी भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी, जैसे मुगल सराय स्टेशन था रेलवे स्टेशन, उसका योगी जी ने नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया, प्रयागराज आज हो गया इलाहाबाद अकबर ने। तो हमारे हिंदुओं की संस्कृति हमेशा मुगलों ने तोड़ने का प्रयास किया, हिंदुओं को गिराने का प्रयास किया, हिंदुओं को कई हिंदुओं डर के नाम पर हिंदुओं पे उन्होंने टैक्स लगाया, आज के मैं भाषा में टैक्स बोलूंगा, जरिया कर लगाया करते थे वो मुगल, क्योंकि अगर लोगों का उत्पीड़न होता था, हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़न होता था, भाई अगर तुम अगर मुगलों के लिए काम नहीं करोगे तो तुम्हारा उत्पीड़न होगा और तुम्हें हिंदू से मुसलमान बनाया जाएगा। तलवार के नोक पे सलवार पहनाया गया, जो पहन लिए पहन लिए, जो नहीं पहने नहीं पहने। इसलिए आज योगी जी अगर उस पर फैसला ले रहे तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि गुलामी की मानसिकता में हिंदुस्तान हम नहीं जीना चाहता, हमें गुलामी की मानसिकता बिल्कुल पसंद नहीं है। हम वही चीज, जैसे आज अयोध्या हमारा जो सबसे प्रिय स्थल है राम जी का, हमारे राजा एक ही थे, राम जी थे, हमारे राजा राम थे, हमारे राजा अशोक सम्राट थे, हमारे गुरु चाणक्य थे, हम इन्हें पूजेंगे, भगत सिंह को पूजेंगे, अब्दुल कलाम को पूजेंगे, हम बाबर को नहीं पूजेंगे। और आज की जो पार्टियां, जो ऑपोजिशन की पार्टियां, वो हमेशा से हिंदुओं का विरोध करती है और इन सब मुगल अंपायर का सपोर्ट करती हैं। आप बताइए, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, बाबर, बाबर का लड़का कौन? हिमायूं, हिमायूं का लड़का कौन? अकबर, अकबर का लड़का, अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां, शाहजहां का लड़का औरंगजेब, औरंगजेब का लड़का इसके बाद चलता गया बहादुर शाह जफर, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह घोषित हुआ। तो ऐसे मुझे भी लगता है जो आज का भी वही चल रहा है सीजन, जैसे देखो समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह उनके बाप शिवपाल, फिर उनका लड़का अखिलेश, ऐसे देख लो आप गांधी परिवार में
कौन? नेहरू, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, संजय गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी। ये लोग खानदानी विरासत समझ चुके हैं, सोचते हैं कि हम राजा हैं, राजा कोई नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो यहाँ की आस्था है, हमारे राम भगवान का एक मंदिर बनने के लिए हमें कोर्ट में जाके गिड़गिड़ाना पड़ा। बताओ अयोध्या में, जो अयोध्या में हमें इतना गिड़गिड़ाना पड़ा, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के लिए हमें कितना गिड़गिड़ाना पड़ रहा, ज्ञानवापी मस्जिद के लिए हिंदुओं को कितना गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, लेकिन कभी मुसलमानों ने इस पर मध्यस्थता नहीं की। वो चाहते हैं कि इस पर लड़ाई हो, लेकिन अगर मुगलों का इस पर योगी जी ने हटाया तो कई नेताओं को इस पर बहुत दिक्कत है कि ये योगी जी ऐसा कार्य क्यों कर रहे, तुष्टिकरण क्यों कर रहे हैं ये लोग। इतिहास को इस तरह से क्यों नहीं पढ़ाया गया है कि क्योंकि ये लोग जो है बाहर से आए थे, बाबर आया था, बाबर क्या नीयत क्या थी हिंदुस्तान पे, क्या क्या करने की थी, क्या कब्जा करने का था, क्या ये लोग जो है विदेश से बाहर से आ करके इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया और फिर धीरे धीरे जो है किस तरह से जो है भारत की संस्कृति को और भारत को जो है रौंदा है। और जिन लोगों ने, जिस हमारे जो योद्धा थे, जो हमारे राजा महाराजा थे, उन्होंने इनका प्रतिकार किया और काफ़ी जो है उनका विरोध किया और वीरगति को प्राप्त हुई, उस इतिहास को क्यों नहीं दिखाया गया इसमें? केवल महिमा मंडित किया गया कि अकबर बहुत अच्छे दीन इलाही धर्म चलाया, सहानुभूति जो है इन आतताइयों पर थी, ये सच्चाई क्यों नहीं दिखाई गई? देखिए, अकबर को महाराणा प्रताप ने अपनी ताकत का एहसास कराया था। अकबर 4 फुटा, महाराणा प्रताप 6-7 फुट के सीना चौड़ा करके चलते थे। जिस मुगल का महाराणा प्रताप से पला पाला, राणा की तलवार ने उसको घोड़ा सहित डाला। तो महाराणा प्रताप से ये लोग क्या, मुगल उगल क्या थे, इनकी कोई औकात नहीं थी महाराणा प्रताप शिवाजी के सामने। ये लोग चींटी थे, इनकी कोई औकात नहीं थी। ये लोग पानी आए, इब्राहिम लोदी पे इन्होंने हमला किया, उसको इनके पास तोपे थी, इनके पास कारीगर थे, इन्होंने तोपे बनाई। उस समय हिंदुस्तान के पास उस समय टेक्निक ही नहीं थी, उस समय हिंदुस्तान में गद्दार पैदा हो गया था, जैसे जयचंद जैसे। उन्होंने मुगलों का साथ दिया कि आइए हिंदुस्तान पे हमला कीजिए। इब्राहिम लोदी को इन्होंने फंसाया, पानीपत का युद्ध हुआ प्रथम 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इस युद्ध में उसने विश्वासघात किया, गड्ढा किया। तो उसके बाद ही जब ये युद्ध जीत गया, युद्ध जीतने के बाद बाबर ने अपना सोचा हमने अंपायर खड़ा कर लिया, लेकिन तब भी इसका अंपायर नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ हमारे गद्दार थे, जैसे आज गद्दार पैदा हो गए हैं। जैसे कांग्रेस कहती है कि हम हमेशा से सबका साथ सबका विकास करते, कभी नहीं कांग्रेस कर सकती। कांग्रेस का तो इतिहास रहा भारत का करके बंटवारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। राहुल गांधी कहते हैं हम भारत जोड़ रहे हैं, भारत का करके बंटवारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। जिन्ना जीता नेहरू हारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। धारा 370 लाकर आग लगाई घाटी में और मोमिन ने पंडित को मारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे खूब लगाए थे और फिर गंवा दिया तिब्बत सारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। भारत तेल टुकड़े होंगे, जे अन्नू के नारे थे, गद्दारों को दिया सहारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। सरदारों का खून बहाया कांग्रेस के इन गुंडों ने और घायल है मेरा गुरुद्वारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। इसलिए इन्हें समझाना चाहता हूँ कि हिंदुओं का पहले इतिहास पढ़ लो। आज के क्या करते विपक्ष, कि जनता के मन को ना जाना, अंदर जाना भूल गए और सिर्फ नमाजी बने रहिए, सिर्फ नमाजी बने रहिए, मंदिर जाना भूल गए। घोटालों घपलों वाला किरदार दिखाया इसीलिए और तुष्टिकरण को सत्ता का औजार बनाया इसीलिए। और कांग्रेस ने क्या किया, गौचर भूमि खैरातों में बांटी थी इसने इसीलिए, और गौ भक्तों पे गोली कांग्रेस ने चलवाई थी इसीलिए। यही काम तो काल हुआ है कांग्रेस का भारत में, और शिखर से सुन्न हुए हैं हाल हुआ है भारत में। वंशवाद का अंश बनाकर कांग्रेस ने रख डाला और भारत जैसे लोकतंत्र पर डंक बनाकर रख डाला। इसलिए बताता हूँ, इन्होंने हमेशा से मुगलों का महिमा मंडित किया। अगर बताइए ये मुगलों का महिमा मंडित नहीं करते तो क्या जो इसने बाबर रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, ये क्या है? ये तो लुटेरे थे, बलात्कारी थे, ये हिंदुओं पर अत्याचार किए, हिंदुओं का मंदिर तोड़ा, हिंदुओं का पैसा लूटा, फिर चले गए लूट खा के। जहांगीर तो कहता था मेरा तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं है, मेरा तो जो घर है वहां, मैं तो यहां पे आया हूं लूट मार करके चला जाऊंगा, जो जहांगीर था अकबर का लड़का। तो इनकी नीयत थी, इन्होंने अय्याशी की, हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, कभी हिंदुओं का विकास। अगर इनकी मानसिकता लेके हिंदू आज हिंदुस्तान के लोग चलेंगे, हमें कभी महाराणा प्रताप का नहीं पढ़ाया गया महाराणा प्रताप के पिता कौन थे, हमें पढ़ाया गया कि अकबर का पिता कौन था, जहांगीर का पिता कौन था, हमें कभी शिवाजी का पिता, शिवाजी भगत सिंह जी का इतिहास नहीं पढ़ाया गया, हमें मुगलों का महिमा मंडित किया गया कि मुगलों ने ताजमहल अजूबा बना दिया। अब जो योगी जी जो जिस तरह से फैसला ले रहे हैं, उन्होंने जैसे मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया, फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया, जिला रख दिया, इस तरह से वो शुरुआत कर रहे हैं, और वो
एक बेबाक तरीके से जो है वो चिंता नहीं करते कि मुझे सत्ता मिले ना मिले, लेकिन वो इस तरह से जो है अपना जो है तुष्टिकरण नहीं करके जो है एक सत्ताई की तरह से जो है अपना काम कर रहे हैं, तो आगे कितना होगा और क्या चाहते हैं आप, और किस तरह से परिवर्तन होगा? देखिए, हमें परिवर्तन चाहिए कि क्योंकि कभी भी फैजाबाद अयोध्या का नाम अयोध्या से पहचानोगे, राम जन्मभूमि की पहचान अयोध्या के नाम से आप जानोगे, हमारे पुराणों में रामायण में लिखा गया है अयोध्या, तो हम क्या फैजाबाद के नाम से जानेंगे? बाबरी मस्जिद तो वहाँ पे किसने बनाया, सीधा सीधा दिखता है अगर खुली निगाहों से देखोगे। अगर आप मथुरा का इतिहास पढ़ोगे खुली आंखों से तो आपको दिख जाएगा कि क्या है मथुरा। अगर बताओ हिंदुओं को सेक्युलरिज्म शब्द थोप दिया गया, बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ, फिर हिंदुओं के लिए सेक्युलरिज्म शब्द थोपा गया बाद में, और बताओ आज हमें मथुरा का ज्ञानवापी मंदिर और अयोध्या का मंदिर के लिए हमें छटपटाना पड़ता है हिंदुओं को। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से कई परिवर्तन होने वाले हैं, यूपी में शुरुआत हो रही है, तो क्या लगता है आपको हिंदुस्तान में क्या नया परिवर्तन हो? बिल्कुल होना चाहिए। अलीगढ़ का नाम अली कौन है? अली हिंदुस्तान की पहचान अली के नाम पे क्यों होगी? हमारे राम लक्ष्मण लखनऊ के नाम पे क्यों होगी? ये नवाबों की देश कह रहा हूं, अय्याशी किया इन्होंने हिंदुस्तान पे, हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया, लेकिन हिंदू कह तो रहा हूं महाराणा की प्रताप ने इनको घोड़ा सहित लता इन्हें, तब आज जाके हमारा हिंदू संस्कृति जिंदा है। ऐसी नहीं, हमारी माँ पद्मावत इनके खिलजी के सामने झुकी नहीं, जोहर कर लिया, उनको अपना इतिहास प्रिय था। हमने कभी भी हमारी माताएं बहनाने हमने बहुत कुर्बानियां दी है, तब जाके आज हिंदू जो हमारा सनातन धर्म है आज ऐसी नहीं है। और जो योगी जी कर रहे हैं, अगर प्रयागराज का नाम प्रयागराज हो गया अल्लाहाबाद का नाम, अल्लाहाबाद से कौन जानेगा, त्रिवेणी है वहाँ पे, तीनों नदियों का संगम है वहाँ का, अल्लाहाबाद बताया जाता था। क्यों हिंदुओं को बनारस, इन्होंने कुछ नहीं कर पाया बनारस पे, इसलिए हिंदुओं की संस्कृति हमेशा से मुगलों ने दबाने का प्रयास किया, कईयों लोगों को इन्होंने मुसलमान बनाया। क्या पहले कोई मुसलमान था? इस्लाम धर्म तो 1500 साल पहले आया, सनातन धर्म तो बहुत पुराना है, लेकिन इन्होंने हमेशा से हिंदुओं के साथ मुगलों ने छेड़छाड़ की, आज योगी जी और मोदी जी की सरकार सुधार रही है।